समाधि स्थल में से आप लाइव देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो निर्मल महतो के 36वें शहादत दिवस पर, जबी के एस एस के पूरे कोल्हान की टीम ब्लैक टीम के साथ और रेड टीम सर, ये तो सबके लिए है सर, समझने के लिए स्पेशल नहीं है सर। होगा देना होगा देना होगा। पहुंची हुई है और प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। पता नहीं चल रहा है।
देखो भैया उनके साथ बेबी माधव यहाँ देखे धक्का मुक्की बेबी केसेस की पूरी टीम के साथ यहाँ धक्का मुक्की हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। आज शहीद निर्मल माधव का समाधि स्थल जंग के अखाड़े के जैसा लग रहा है। जेबीकेएसएस की पूरी टीम हर हाल में निर्मल माधव को श्रद्धांजलि देना चाहती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। आप इस वीडियो को माध्यम से देखने का समय प्रयास कीजिए। दूसरी तरफ बेबी माधव जी पहुंची हुई है। प्रशासन का कहना है इनको रोकने का सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहुंचे हुए हैं। और आप इस वीडियो को माध्यम से देखिए क्योंकि जेबीकेएसएस टीम के सामने आज पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहुंचे हुए हैं। रिकॉर्ड करते रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर क्लियर है। काफ़ी नोक झोंक के बाद आप देख सकते हैं टाइगर जयराम माधव के समर्थक समाधि स्थल पर पहुंच गए। यह समाधि स्थल है निर्मल माधव का। आज निर्मल माधव के 36वें शहादत दिवस पर टाइगर जयराम माधव जेबीकेएसएस के सदस्य श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले थोड़ी ही देर पहले इनके साथ और इनके और इनके समर्थकों के साथ प्रशासन का काफ़ी नोक झोंक भी हुआ था बावजूद इसके, क्योंकि उसी समय राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी पहुंचे हुए थे। तमाम नोक झोंक के बाद भी समाधि स्थल पहुंच गए टाइगर जयराम माधव। समाधि स्थल में से आप लाइव देख रहे हैं टाइगर जयराम माधव निर्मल माधव के 36वें शहादत दिवस पर जेबीकेएसएस के पूरे कोल्हान की टीम ब्लैक टीम के साथ और रेड टीम इसके साथ ही बेबी माधव भी पहुंची हुई हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। टाइगर जयराम माधव को आप लाइव देख सकते हैं समाधि स्थल। झारखंड के ऐसे मसीहा जिन्होंने झारखंड के नवनिर्माण में अपनी शहादत दी थी शहीद निर्मल माधव।
अच्छा चलो।